रामपुर शाहबाद तहसील के पटवाई गांव में दूसरे दिन भी दी गई प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी। 3 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन छात्र छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा व आग से बचाव की जानकारी दी गई, जिसमें काफी रुचि के साथ छात्र छात्राओं ने जानकारी ली। पटवाई के शांति शरण रस्तोगी सरस्वती शिशु मंदिर में 3 दिवसीय शिविर में दूसरे दिन बुधवार को जिला प्रशिक्षक प्रेमपाल सिंह ने स्काउट गाइड शिविर में छात्र छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही अनेक प्रकार की रस्सी में गांठें लगाना, तीसरी चौथी मंजिल के भवन पर चढ़ने और उतरने की पूर्ण जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि अचानक किसी भवन में आग लग जाए तब ऐसी स्थिति में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित कैसे निकालना है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ब्रजभान सिंह, पंकज रस्तोगी, सुदेश कुमार, ओमवीर सिंह, दुर्वेश कुमार, उमेंद्र कुमार, रामकिशोर आदि लोग मौजूद रहे। शांति शरण रस्तोगी सरस्वती शिशु मंदिर पटवाई में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम स्काउट गाइड का चल रहा है। आज इसका द्वितीय दिवस है। इसमें भैया बहनों के लिए जिला प्रमुख आदरणीय प्रेमपाल सिंह जी ने बहुत सारी नई नई जानकारियां दी हैं, जिसमें ऐसी जानकारी दी हैं जो कि भविष्य में कभी कोई आपत्ति का समय अगर आता है तो ऐसे समय में हम अपनी अपने समाज की कैसे रक्षा कर सकें। इस दृष्टि से जैसे 3 मंजिल पर चढ़ करके अचानक कोई आपत्ति आ जाती है तो हम किस रास्ते से उसका प्रयोग करें, रास्ता बाधित है तो रस्सी के द्वारा हम नीचे कैसे आएं, ऐसी अनेकों प्रकार की जानकारियाँ दी। भैया बहनों को अनेकों प्रकार की तालियां बजाने का अभ्यास कराया, जिससे कि जहां अधिक भैया बहन एकत्र हैं तो वह तालियों के माध्यम से डबल फायदा है। एक तो शारीरिक व्यायाम भी होता है उसके माध्यम से, और दूसरे तालियों के माध्यम से जो कोलाहल होता है भैया बहनों के बीच में वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसी अनेकों प्रकार की जानकारियाँ दी। बिना आग के हम कैसे भोजन का निर्माण कर सकें, कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं मनुष्य के जीवन में जहाँ आग नहीं है, बिना पानी के कैसे भोजन निर्माण करें, तो इस संबंध में बहुत सारी भैया बहनों ने जानकारियाँ सीखी। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये जो स्काउट गाइड की जो गतिविधियाँ आदरणीय प्रेमपाल सिंह जी ने बताई हैं वह सभी भैया बहन अपने जीवन में उसको लागू करेंगे और समाज को लाभान्वित करेंगे। और समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो भैया बहन विद्यालयों में नहीं जाते हैं तो ऐसा भी आग्रह किया गया कि उनको भी सही रास्ते पर ला करके स्काउट गाइड के माध्यम से उनको भी समाज के जीवन से जीने की अनेकों प्रकार की जानकारियाँ